गाइस बैक टू माय चैनल। माय नेम इज किरण। सो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की इस वीडियो हम पिछले एग्जामों में पूछे गए हिंदी और सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप न करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा हिंदी है। शुरू में हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्याची शब्द है। आपको बताना है मृगेंद्र का पर्याची शब्द क्या है। मृगेंद्र का पर्याची शब्द हमारा ऑप्शन बी शार्दुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है निम्न में से संयुक्त वाक्य। आपको संयुक्त वाक्य बताना है, निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से हमारा छांटा जाएगा। तो संयुक्त वाक्य है हमारा जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला है हमारा निम्न में से सामी शब्द का विलोम है। आपको सामी शब्द का विलोम बताना है तो सामी शब्द का विलोम होता है निरामिस, या हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है, वह माना जाता है हमारा गुजरात में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है हमारा यह शब्द में कौन सा विशेषण है। यह शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा भाषा का आरंभ किससे होता है। तो हमारा भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला है हमारा सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, ऑप्शन ए रूपक अलंकार। अगला हमारा शुद्ध वर्तनी है। आपको संश्लिष्ट का शुद्ध वर्तनी बताना है, यानी संश्लिष्ट को हम किस प्रकार से शुद्ध वाक्य में लिखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संश्लिष्ट को हम इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है तो वह हमारा पहचान, अस्मिता शब्द की पहचान सांस्कृतिक। नेक्स्ट हमारा अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में रोना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ में रोना ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है ऑप्शन बी मालिक। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ईमानदारी। फिर हमारा कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ऑप्शन डी। अगला हमारा निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से घोषवर्ण है। निम्न में से घोषवर्ण है हमारा ऑप्शन डी मो। अगला है हमारा हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो सिंधु शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सभा हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सभा हो रही है हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी ऑप्शन हमारे पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है क्या नहीं है, अर्थबोधक ऑप्शन सी सही है। अगला यहाँ से हमारे
सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लग गए हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, मंत्री परिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए बसंत पंचमी को। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामी नाथन जी हैं। अगला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पिक कहाँ पे स्थित है? वो हमारा चमोली में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? वो हमारा भाग थर्ड में। ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? बी कंपनी का कमांडर हमारा ज्ञान सिंह बिष्ट को नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है, किस स्थान पर उद्योगों की अव्यवस्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? शिक्षण संस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक नामक के लेखक कौन है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आर एस टोलिया। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में माजिक सीटें प्राप्त है? अनुसूचित जनजातियों को के आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में माजिक सीटें प्राप्त है? कौन से राज्य को? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला है, हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? कौन थे? कत्यूरी शासक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, राजजनजाति का मुख्य देवता है? राजी जनजाति का मुख्य देवता बाघनाथ। इसका सही आंसर है बाघनाथ। अगला है, संसाधनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं क्या? संसाधनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं ऑप्शन डी नाम मात्र वो वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। नेक्स्ट हमारे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी एक भूमि कर है। अगला हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम गोवा राज्य में इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? कौन सी झील है? विष्णुताल झील। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है हमारा, निम्न में लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्गापुर। अगला हमारा, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई, कब लागू की गई? ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। अगला है हमारा, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा गया? ऑप्शन बी 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? कौन सा स्थल है? धौलावीरा।
ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में से कौन सा कृषि सार का संस्थागत स्रोत नहीं है? कौन सा संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन सी साहूकार। अगला हमारा उत्तराखंड में चैती गाथाएं से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी सदैव शूली मायके के प्रति प्रेम, ये सभी चैती गाथाएं से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा, चंद्र शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? कितने किए जाते थे? 36। ऑप्शन बी का राइट आंसर है। अगला हमारा कृषि क्रिया है संबंधित है, कृषि क्रिया हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? मालपा में भूस्खलन हमारा ऑप्शन डी 1998 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? कौन जाने जाते हैं हमारे? ऑप्शन ए सर हेनरी रैमजी। अगला हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो यह था परमार वंश। अगला है, उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्या जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्र ध्वज फहराया, ये हमारा है ऑप्शन सी शीतल राज। 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल की एक शाखा स्थापित की गई? तो वो स्थान है हमारा देहरादून, ऑप्शन सी का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो ये हमारे ऑप्शन बी सुदर्शन शाह ने। अगला है, कुणिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? कुणिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि में इनका अंकन हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा अलग है, कौन भिन्न है? तुम्हारा वर्ड अलग है इनमें से। अगला है, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तुम्हारा है बॉक्साइट का उत्पादक राज्य ओडिशा। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? तो ये ऑप्शन सी देवीदत्त पंत। नेक्स्ट है, नंदराज जात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? कांसवा से होमकुंड की दूरी हमारी 280 किलोमीटर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किरातु को स्कंद पुराण की केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? कौन से शब्द से संबोधित किया है? ऑप्शन सी भिल्ल शब्द से। नेक्स्ट है, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग मंदिर हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं कपाशी वर्षीय मेघों से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है? तो एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को हम सेल कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला है हमारा, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलान होता है? तो ये होता है हमारा जाह्नवी नदी का, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, टिहरी बांध का निर्माण कब हुआ? तो टिहरी बांध का निर्माण 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तुम्हारा ये क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी एशिया।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहां आक्रमण किया था? तो वो जगह हमारी पुणे में। तो ये थे हमारे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो हम आपको इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा।